दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। दोस्तों आज हम पढ़ने जाने वाले रेकुरेंस रिलेशन फॉर जे एन एक्स, मतलब रेकुरेंस रिलेशन फॉर वेसल फंक्शन। वेसल फंक्शन जो होते हैं उनमें एक पुनरागमन संबंध या रेकुरेंस रिलेशन होता है, उनको हम आज प्रूफ करेंगे। तो जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं क्या लिखा है, रेकुरेंस रिलेशन फॉर जे एन एक्स। तो हमारे बेसिकली जो रेकुरेंस रिलेशन है होता है उसमें दो जो मेन रिलेशन है वो ये हैं। इसके बाद में आपको आगे के जो रिलेशन होते हैं वो भी कराऊंगा, लेकिन दो हमारे ये हैं, एक्स जे डैश एन एक्स इज इक्वल टू एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस वन एक्स, और एक होता है एक्स जे डैश एन एक्स बराबर माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन माइनस वन एक्स। तो दोस्तों आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखें, जिसमें हमने बेसल इक्वेशन जब देखिए यहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, जब ये हमारा एक रेकुरेंस है, फॉर्मूला है, रेकुरेंस फंक्शन है, तो इसका जो इस चीज़ को इसे हम रिलेशन कहते हैं, मतलब संबंध। इसमें और इसमें हमें संबंध बताना ही हमारा रेकुरेंस रिलेशन कहलाता है। अब आप पूछोगे कि भैया ये जे एन एक्स कहाँ से आ गया, ये जे एन एक्स क्या है। चलो हमने मान लिया एक्स कुछ भी हो सकता है, एन कुछ भी हो सकता है, ये जे एन एक्स कहाँ से आ गया। तो भैया देखिए, अगर आप जब बेसल इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे, बेसल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बेसल फंक्शन प्राप्त होते हैं, ठीक है। और बेसल फंक्शन हमें दो बेसल फंक्शन प्राप्त होते हैं। इन्हें ही हम क्या कहने लगते हैं भैया, इन्हें हम जे एन एक्स से डिनोट करने लगते हैं। मतलब जब बेसल इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो आपको उसके जो आंसर मिलेगा उस आंसर को हम बेसल फंक्शन कहते हैं। इसके आंसर हमें दो आंसर मिलते हैं तो उसे हम बेसल फंक्शन कहते हैं और उसे हम जे एन एक्स से डिनोट करते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा हमारा बेसल इक्वेशन का वीडियो तो आप वो वीडियो देखें, जिससे आपको समझ में आ जाए बेसल फंक्शन कैसे कहते हैं और हम जे एन एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है। यहाँ पर भी मैं बताऊँगा लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा नंबर वन हम सॉल्यूशन कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए कि जे एन एक्स की वैल्यू होती है जो किससे, बेसल फंक्शन से। यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसल फंक्शन, जे एन एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है जे एन एक्स इज इक्वल टू समेशन आर टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर वन अपॉन फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस टू आर, ठीक है। तो जे एन एक्स का मतलब सीधा सीधा हमारा ये है, और इसे एक भाषा में हम बेसल फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जे एन एक्स का मतलब हमारा ये है, इसे हम एक क्वेश्चन फर्स्ट नाम दे देते हैं। तो अब देखिए हमारा यहाँ पे कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स जे डैश एन एक्स करना है। तो देखिए ये जे है, मतलब कि यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये बाय है। अब बाय को बाय डैश में कैसे कन्वर्स कर सकते हैं, अगर हम बाय का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, मान लो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, और डी वाई अपॉन डी एक्स को हम बाय डैश ऐसा लिख सकते हैं। मतलब किसी चीज़ का हम अगर अवकलन करते हैं तो उसे हम डैश लगा के भी डिनोट कर सकते हैं, इसका और इसका मतलब एक ही है, डैश लगा दो या ऐसा लिख दो, ठीक है। तो अगर मैं समीकरण एक का अवकलन कर दूँ, समीकरण एक का अवकलन करने पर तो यहाँ पे देखिए, जब मैंने आपको बोला जैसे कि हम डैश भी लगा सकते हैं, तो जे एन एक्स का करूँगा तो हो जाएगा जे डैश एन एक्स हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए बराबर किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, इसका हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये बात ही आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इसका करेंगे तो यहाँ पे x है इसलिए इसका होगा, तो इसलिए हमने डैश के रूप में लिख दिया। अब देखिए समेशन r टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी ऐसा कैसा रहा, माइनस वन की पावर r ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि इसका तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि इसमें x नहीं है, ठीक है। अब देखिए वन भी ऐसा कैसा रहेगा और ये सब भी ऐसा कैसा रहेगा, n प्लस आर प्लस वन, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे x की पावर भी n प्लस टू आ रहा है और 2 की पावर भी n प्लस टू आ रहा है, तो सिर्फ x वाले का हम जब करेंगे तो n प्लस टू आर आ गया जाएगा, n प्लस टू आर आगे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, x की पावर x अपॉन टू, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा x अपॉन टू n प्लस टू आर माइनस वन, और जब हम x
एक्स अपॉन टू का करेंगे, जब हम एक्स अपॉन टू का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू, मतलब कि हम जानते हैं कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन हो तो हम इसका करते हैं एन आ गया जाता है, एक्स एन माइनस वन मतलब जे हो जाता है। अब इसके साथ कुछ है तो हम फिर एक बार और करते हैं, मतलब कि इसमें चेन रूल लग जाता है, चेन रूल, ठीक है। तो जब हमने इसका किया ए बचा, अब बचा कितना x अपॉन टू, तो जब हम x अपॉन टू का करेंगे तो x का वन हो जाएगा, मतलब वन अपॉन टू, इसलिए ये वन अपॉन टू ये आ गया, क्लियर। तो देखिए अब j डैश एन एक्स इज इक्वल टू, और ये n n के जैसे ये आगे आ गया, क्लियर है, और माइनस वन कम हो गया इसमें। तो अब देखिए यहाँ से कि n प्लस टू आर हो गया और ये हो गया। तो अब देखिए मैं एक बार इसको, एक बार इस चीज़ को मैं n के अपॉन में लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ से मैं अलग अलग करके लिख लेता हूँ, पहले देखिए समेसन r टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर r। तो यहाँ पर देखिए इस मतलब कि हम जानते हैं कोई चीज़ ऐसी हो जैसे कि x प्लस y है और इसके अपॉन में टू है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन टू प्लस y अपॉन टू कर सकते हैं, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। उसी तरीके से एक बार हम n के अपॉन में भी लिख सकते हैं, एक बार 2r के अपॉन में भी लिख सकते हैं। कैसे, वन का मल्टीप्लाई हुआ तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। एन के जब अपॉन में लिखेंगे हम तो आर एन प्लस आर प्लस वन, एन के अपॉन में लिख लिया, सब बैंसा का बैंसा रहेगा, बस हमने एन के अपॉन में लिखा है, ठीक है, सब बैंसा का बैंसा रहा। अब चूंकि समेशन तो दोनों में आएगा कि दोनों को अपॉन में, अब प्लस टू आर के अपॉन में लिख लो, किसके, टू आर के अपॉन में। तो देखिए आर टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी, तो r टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर r, और ये क्या 2r अपॉन फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस वन x अपॉन टू की पावर n प्लस टू आर माइनस वन, और ये वन अपॉन टू चला, क्लियर हुआ। इतना बस आसान है, कुछ नहीं किया है अभी तक हमने, ऐसे कि आपको कुछ समझ में ना आए। तो आप देखिए यहाँ पे कि जैसे ही आप इतना क्वेश्चन करते हैं, बस एक चीज़ आप याद रखें, इतना आपने किया तो पहले अभी n को यहीं पर रखे लेने थे। एक चीज़ और मैं आपको यहीं पर ऐड करके बता दूँ, n अभी यहीं का यहीं है, ठीक है। तो देखिए आप अब क्या करना है, अब हमारे क्वेश्चन में देखिए हमें क्या चाहिए, x मल्टीप्लाई में चाहिए इसके में, तो हम x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं पर देखिए मैं आपको यहीं पर बता दूँ, x का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके लिए हमें ये चाहिए, इसलिए हम x का मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी x का मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें हम x का मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो इसके गुणा में यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस इसमें भी x का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी हमने x का ए एक्स आ गया। तो जब हम x का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो हम इस x को यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, ऊपर हम कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं या कहीं भी। तो हमने सुविधा के लिए यहाँ पे लिख लिया, बात वही है, आप x को यहाँ लिख लीजिए या यहाँ लिख लीजिए या यहाँ लिख लीजिए, ये आ इसके ही नीचे रहा है, क्लियर है? कि ये हमारा क्या है x j den n x, मतलब ये वाला पार्ट तो हमारा बन चुका, बस अब इस वाले पार्ट को बनाने की देरी है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर जो n है, यहाँ पर जो n है इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ n को यहाँ पर, ठीक है, तो कोई दिक्कत है क्या यहाँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, अगर हम यहाँ इस n का अंदर मल्टीप्लाई रखेंगे तो यहाँ कहाँ जाएगा, यहीं पे n आ जाएगा कि नहीं जाएगा, इसलिए इस n को मैं बाहर लिख लेता हूँ और यहाँ पे क्या बचेगा मेरा वन। तो देखिए यहाँ पे अब इतना आया, अब देखिए n इसको मैं ऐसा कहीं से लिख दूँ, r टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर r, अगली स्टेप में समझाया, वन अपॉन फैक्टोरियल r, यदि बस ऐसे इसको उतार रहा हूँ इस पूरी को, ठीक है, गामा एन प्लस आर प्लस वन, क्लियर है। अब देखिए इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसकी पावर क्या है, वन है। हम जानते हैं आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, जैसे कि एक्स की पावर वन हो इंटू एक्स की पावर टू हो तो एक्स की पावर थ्री हो जाती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो इसकी पावर कुछ नहीं है तो वन है। जब वन इसमें जुड़ेगा प्लस वन तो ये वन से वन कट जाएगा, तो एक्स की पावर टू खत्म हो जाएगी यहाँ से और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका, तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा सिर्फ, अगली स्टेप में मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सिर्फ क्या बचा, जब x की पावर वन अपॉन टू का इसका अंदर मल्टीप्लाई हुआ घातें जुड़ी, तो सिर्फ क्या बचा x अपॉन टू की पावर n प्लस टू आर, ठीक है, और प्लस में हमारा ये चल ही रहा है, ठीक है, प्लस में क्या चल रहा है, समेसन r टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर r टू आर अपॉन फैक्टोरियल r गामा n प्लस आर प्लस वन
एक्स अपॉन टू की पावर, ऐसे ही एक्स अपॉन टू जो है इसका, इसको अभी हम ऐसा कैंसिल लेने देते हैं, एक्स अपॉन टू को अभी कुछ नहीं करेंगे हम इसका, ठीक है। और एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस टू आर माइनस वन, एन प्लस टू आर माइनस वन। तो अब आप यहाँ पे देखिए इतना आया। अब देखिए ये जो हमारी वैल्यू है, जो मैं पहले आपको बताना चाह रहा था, ये जो हमारी वैल्यू है, ये वाली जो हमारी वैल्यू है, ये आप कहीं दिख रही है इस एन को छोड़ के, ये जाओ ए वाली जो वैल्यू है, तो देखिए आप देख सकते हैं कि जो जे एन एक्स की वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ पे जो जे एन एक्स की वैल्यू है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है इसकी जगह पे, ये देखिए ये और ये बिल्कुल सेम है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जे एन एक्स लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारी सेम है। तो देखिए जब मैं एक्स जे डैश एन एक्स बचा, एन एन तो ऐसा कैसा रहा, ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, जे एन एक्स की, यहाँ पे देखिए इससे समीकरण एक से, यहाँ पे मैं लिख सकता, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण एक से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बचा ये, तो प्लस का यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना अभी, सिर्फ क्या करना है, देखिए ये टू से ये टू कट गया हमारा, कट गया कि नहीं, और ये एक्स हम आगे लिख देते हैं, तो प्लस का ये एक्स मैंने आगे लिख दिया, आर टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर, और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ आर बचा, और नीचे फैक्टोरियल आर बचा, गामा एन प्लस आर प्लस वन बचा, और यहाँ पे क्या बचा, एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस टू आर माइनस वन, इतना ही बचा हमारा यहाँ। तो अब देखिए आप, हाँ तो अब मैं यहाँ पे कुछ मिटा लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझा सकूँ, मैं यहाँ पे इतना मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए इस स्टेप को जैसे ही आप करेंगे, इस स्टेप को आप, तो देखिए ये तो मेरा ऐसा कैसा चल रहा है, एक्स एक्स जे डैस एन एक्स इज इक्वल टू, ये तो ये वाली टर्म तो मेरी पूरी आ चुकी है, ठीक है, प्लस अब ये वाली टर्म बची है मेरी, ये वाली टर्म। तो यहाँ पे देखिए आप, अब एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसमें से हम एक फैक्टोरियल का मतलब, फैक्टोरियल को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है, इसका उल्टी आई और इस चीज़ का मतलब एक ही है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम r बाहर लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, r माइनस वन, एक कम होता जाता है। अब हम इसमें से r माइनस बाहर वन बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, r माइनस टू, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मान लीजिए फैक्टोरियल फाइव है, फैक्टोरियल फाइव, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं और इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, सॉरी बात एक ही है। तो जब हम फाइव बाहर लेंगे, फाइव बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, फोर बचेगा, फैक्टोरियल फोर, ठीक है, ऐसा लिख लो, फैक्टोरियल फोर बचा। अब जब हम फोर और बाहर ले लेंगे तो फैक्टोरियल थ्री, ठीक है, फैक्टोरियल थ्री बचा, और जब हम थ्री भी बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल टू। तो इस तरीके से एक हम बाहर लेते हैं तो एक कम हो जाता है, क्लियर है। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, मैंने इतना किया प्लस का, यहाँ पे x चल रहा है, समेशन r टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी, और माइनस वन की पावर r, यहाँ पे देखिए r है मेरा, यहाँ पे r है। अब देखिए यहाँ पे आप, ये जो r है, ये जो फैक्टोरियल में r है, ये जो फैक्टोरियल में r है, इसको मैं भाल लूँ तो मैं एक r भाल लूँगा तो अंदर r माइनस वन हो जाएगा फैक्टोरियल, और ये गामा n प्लस r प्लस वन ऐसा का ऐसा रहेगा, और x अपॉन टू की पावर n प्लस टू आर माइनस वन ऐसे कैसे रहे। तो इस r से ये r कट गया, ये फंडा समझ में आया आपको, कैसे आ गया ये। तो जब हम फैक्टोरियल में से r वन बाहर लेंगे तो एक कम हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल से आपको समझा, इतना किया। अब देखिए अब क्या करना है आपके लिए, यहाँ पे देखिए इसमें n जे एन एक्स चाहिए थी तो ये मिल गया, अब यहाँ पे x चाहिए तो x भी मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो माइनस कैसे लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ रखता हूँ, क्या यहाँ पे मैं एक वो रखता हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं r माइनस वन बराबर s रख दूँगा, अगर एक हमने मान के चला है, माना है हमने बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, r माइनस वन बराबर मैं s रखूँगा। तो यहाँ पे देखिए अगली स्टेप यहीं से दिख रहा है ना, हाँ, तो यहाँ पे देखिए x जे डैस एन एक्स, ये ऐसा कैसा, ये वाली स्टेप, जे एन एक्स ऐसा कैसा, प्लस एक्स समेशन आर टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी।
तो जब हम आर माइनस वन की जगह आप एस रखेंगे तो यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो वन उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगी एस प्लस वन हो जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे माइनस आर आर की वैल्यू क्या रख दूँ मैं यहाँ पे, यहाँ से आर की वैल्यू निकालें तो एस प्लस वन। तो देखिए माइनस वन की पावर आर की वैल्यू रख दूँ तो आर प्लस वन, आर प्लस आर की वैल्यू रखूँगा यहाँ पे आर की जगह पे क्या एस प्लस वन, तो आर की जगह पे मैंने एस प्लस वन रख दिया इस आर की जगह पे, ये तो आर गया इस आर की जगह पे। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, वन बचा, और यहाँ पे देखिए हाँ और यहाँ पे देखिए वन बचा यहाँ पे, और अब देखिए यहाँ पे जो आर माइनस वन है आर की जगह मैं एस प्लस वन रखूँगा, आर की जगह मैं एस प्लस वन रखूँगा और माइनस वन ये पहले से और ये फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए गामा गामा यहाँ पे एन है तो एन आर की जगह और ये प्लस वन है तो प्लस वन, हमने इन दोनों को पहले एन प्लस वन पहले लिख लिया, बचा आर, तो आर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ एस प्लस वन, तो आर की जगह मैंने एस प्लस वन रख दिया। ठीक है, अब देखिए और ये एक्स अपॉन टू की पावर एन है और टू एन प्लस टू और ये जो आर है इस आर की जगह मैंने एस प्लस वन रख दिया, तो ब्रेकेट में एस प्लस वन माइनस वन, इतना आया। बहुत ईजी है, आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा, बस आपको पूरा समझ में आएगा, डोंट वरी, आप टेंशन ना करें, मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ इसलिए इतना लंबा हो रहा है, जब आप इसको करेंगे ना तो एक पेज का भी क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए जैसे ही आप इतना करेंगे इसको, तो यहाँ से अब आगे हमें क्या करना है, ये एक्स है ऐसा का एक जेड एस एन एक्स ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू एन एन ऐसा का ऐसा जे एन एक्स ऐसा का ऐसा प्लस। देखिए यहाँ पे इस जो माइनस वन और एस एस प्लस वन है यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ही काम की चीज़ है जहाँ पे आप कन्फ्यूज होंगे, यहाँ पे आपको कोई इतने उससे नहीं बताएगा बेसिक से। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ माइनस वन की पावर एस इंटू माइनस वन की पावर वन, इसका मतलब क्या आधार समान है, माइनस वन की पावर एस इंटू माइनस वन की पावर वन आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगी माइनस वन की पावर एस प्लस वन हो जाएगी, तो एस प्लस वन को हम किस में तोड़ सकते हैं माइनस वन की पावर एस और माइनस वन की पावर वन, और माइनस वन की पावर वन का मतलब है माइनस वन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से हम माइनस वन कॉमन लेंगे। अब मैं सेकेंड स्टेप में लूँगा, तो यहाँ पे वन है और देखिए एस प्लस वन, तो ये वन से वन कट जाएगा, क्या बचा फैक्टोरियल एस बचा। यहाँ पे देखिए एन प्लस वन है, इस चीज़ को हम जोड़ेंगे नहीं, आप जोड़ दो एन प्लस वन एन प्लस एस प्लस टू कर दो, इसको ऐसा कैसा रहने देना, तो एन प्लस वन प्लस एस प्लस वन और एक्स अपॉन टू है हमारा यहाँ पे, एक्स अपॉन टू है हमारा यहाँ पे। तो देखिए जो एन प्लस टू है, तो इसका अगर हम 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस टू एस प्लस टू माइनस वन, और 2 में से माइनस वन जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का वन, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n प्लस टू एस प्लस वन बचा, और उसको मैं इस तरीके से जमा लूँ, वन पहले लिख दूँ और 2s बाद में लिख दूँ, कोई दिक्कत है नहीं है। तो इस तरीके से मैं इसकी पावर आप क्या लिख सकता हूँ एक्स अपॉन टू की पावर n प्लस वन प्लस टू एस, एन प्लस वन प्लस टू एस लिख सकता हूँ। अब देखिए आप एक्स जेड एस एन एक्स बराबर एन जे एन एक्स, यहाँ पर देखिए मैं माइनस वन को बाहर ले लूँ तो वन की पावर वन मतलब एक ही बात है, और यहाँ पर एक्स चल रहा है हमारा तो ये एक्स भी आएगा यहाँ पर एक्स, तो ये माइनस मैंने बाहर ले लिया तो माइनस एक्स होगा, और आर टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या बचा माइनस वन की पावर एस वन अपॉन फैक्टोरियल एस गामा एन प्लस वन प्लस एस प्लस वन एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस वन प्लस टू एस। क्लियर, बस कुछ नहीं किया, ऐसे स्टेप को आप याद रखें, पूरा क्वेश्चन इस चीज़ पर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे इतना आया एक्स जे डैस एन एक्स इज इक्वल टू एन जे एन एक्स। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखें कि हमारा जो फॉर्मूला होता है जे एन एक्स का, देखिए जे एन एक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि इस एन का मतलब ये है कि यहाँ पे भी एन होना चाहिए, ठीक है, और आर प्लस वन होना चाहिए, और यहाँ पे भी एन होना चाहिए और टू आर होना चाहिए, तो इसलिए हम जे एन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जे एन प्लस वन है तो हम माइनस एक्स है यहाँ पे क्या लेंगे जे एन प्लस वन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एन प्लस वन है
और यहाँ पे भी n प्लस वन है, तो n प्लस वन है यहाँ पे, n का काम कर रहा है, n प्लस वन किसका काम कर रहा है, n का। यहाँ से देखिए n प्लस n था इसलिए यहाँ पे n ले लिया, और यहाँ पे n प्लस वन है तो इसलिए हमने n प्लस वन ले लिया। और बाकी फॉर्मूला सो जो का तो है, s की जगह उस वहाँ पे r था, यहाँ पे s है, बात वही है, बस n का काम n प्लस वन कर रहा है, इसलिए पहले हमने n लिया था, अब हमने n प्लस वन ले लिया, और किसके लिए है, x के लिए है, तो इसलिए हमारा ये हो गया माइनस एक्स जे एन प्लस वन। तो यहाँ पे मैं यहाँ से मैं अगर लिख दूँ तो एक्स जे डैस एन एक्स इज इक्वल टू हो गया हमारा इज इक्वल टू एन एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस वन एक्स। यही हमारा क्या है, फर्स्ट रेकुरेंस रिलेशन। तो जब आप देखेंगे फर्स्ट वाला रेकुरेंस रिलेशन, देखिए आप फर्स्ट वाला जब आप रेकुरेंस रिलेशन देखेंगे तो एक्स जे डैस एन एक्स इज इक्वल टू एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस वन एक्स, प्रूफ हुआ। चलिए आप सेकंड वाले रेकुरेंस रिलेशन को और प्रूफ कर लेते हैं। दोस्तों बहुत इजी स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल लो लेवल से समझा रहा हूँ आपको, अगर थोड़ा भी आप लेवल बढ़ा लेंगे अपनी कॉपी पे तो ये आधे एक पेज का ही क्वेश्चन है, 5 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, तो चलिए अब हम यहाँ पे जो सेकंड वाला रेकुरेंस रिलेशन है उसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड वाला रेकुरेंस रिलेशन वो है एक्स जे डैस एन एक्स माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन एक्स प्लस। तो हमें पता है जे एन एक्स बराबर क्या होता है, अब हम बहुत फास्ट करेंगे, जे एन एक्स बराबर होता है आर टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर वन अपॉन फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस टू आर, ठीक है। अब देखिए इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट नाम दे दिया, अब क्वेश्चन में देखिए हमें जे डैश के फॉर्म में चाहिए, इसलिए हम समीकरण एक का डिफरेंशिएशन कर देंगे, समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, ठीक है। समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा जे डैश एन एक्स इज इक्वल टू समीशन आर टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर, ये ऐसा का आंसर आएगा, ये वन भी ऐसा का आंसर रहेगा, फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन, बस एक्स का हो जाएगा तो इसका होगा तो एन प्लस टू आर आगे आ गया, ठीक है। एक्स अपॉन टू बचा और एन प्लस टू आर माइनस वन होगा, और एक्स अपॉन टू का होगा तो वन अपॉन टू, ये मैं पहले वाले मैं बता चुका हूँ कैसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जे डैस एन एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे आर टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी है और माइनस वन की पावर आर है, यहाँ पे देखिए एक्स चाहिए मेरे लिए, तो एक्स का मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और इसमें भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस वन की पावर यहाँ पे क्या बचा एन प्लस टू आर ये वाला, और अपॉन में फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन, और ये एक्स अपॉन टू हो गया, जब हम इस एक्स का यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन टू हो गया, और ये x अपॉन टू की पावर n प्लस टू आर माइनस वन पहले से, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमें पहले वाले जैसे नहीं करना है, n के अपॉन में ले लें और 2r के अपॉन में ले लें, यहाँ पे हमें एक ऑपरेशन का ध्यान रखना होगा कि x जे डैस एन एक्स इज इक्वल टू समेसन r टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर r। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से कि जो मैं यहाँ पे इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2n प्लस 2r माइनस 2n प्लस 2r माइनस n लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए 2n में से n जाएगा तो n बचेगा, तो n प्लस 2r को मैं लिख सकता हूँ 2n प्लस 2r माइनस वन, 2r तो ऐसा कैसा, बस n को लिख दिया मैंने 2n माइनस वन, क्योंकि 2n में से माइनस n जाएगा तो n ही बचेगा, बात वही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा फैक्टोरियल r n प्लस r प्लस वन, और यहाँ पे देखिए x अपॉन टू ऐसा कैसा है एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस टू आर माइनस वन बचा, क्लियर हुआ इतना। अब देखिए एक बार मैं इस माइनस एन के अपॉन में ले लेता हूँ जैसे कि हमने पहले लिया था उसी तरीके से, और एक बार इसके अपॉन, एक बार इसके और एक बार इसके, तो पहले मैं इसके में ले सकता हूँ क्योंकि हमें आंसर में माइनस एन पहला चाहिए, तो इसलिए मैं पहले इसके में ले लेता हूँ, तो एक्स जे डैस एन एक्स इज इक्वल टू समेसन आर टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर। जब मैं माइनस एन के अपॉन में लूँगा तो माइनस एन अपॉन बचेगा फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन, ठीक है, एन प्लस आर प्लस वन, और ये एक्स अपॉन टू बचा,
और एक्स अपॉन टू बचा, यहीं पर लिख देता हूँ एक्स अपॉन टू बचा, और यहाँ पर एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस टू आर माइनस वन। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखिए आप, अब मैं इनके अपॉन में ले लेता हूँ एक बार। देखिए पिछले वाले जैसे कुछ नहीं कर रहे, आर टेंस टू जीरो से ये इन्फिनिटी, ये देखिए माइनस वन की पावर आर ऐसा कैसा रहेगा, ये टू एन क्या बचा यहाँ पे, टू एन प्लस टू आर बचा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं इस चीज़ को, क्योंकि हमने माइनस से वन एन के अपॉन में ले लिया, अब बस इस चीज़ के अपॉन में ले रहे हैं, तो बाकी वैसा का वैसा हो जाएगा आर गामा एन प्लस आर प्लस वन एक्स अपॉन टू की पावर एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस टू आर माइनस वन। क्लियर हुआ इतना? अब देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए इतना किया, माइनस वन अपॉन माइनस एन है यहाँ पे, माइनस एन को मैं बाहर ला के लिख सकता हूँ पिछले वाले जैसे, तो जब मैं माइनस एन को मैंने ये बाहर ला के लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, क्या बचा वन, और जब एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स अपॉन टू की पावर कुछ नहीं है तो वन है, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे वन हो जाएगा प्लस का वन, और ये वन से ये हट जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एन प्लस टू आर हो जाएगा। और ये देखिए ये किसकी चीज़ है, जो जे एन एक्स की जो वैल्यू है हमारी वो ये है, क्या है ये, और देखिए इस चीज़ की जगह पे, इस चीज़ की जगह पे, इस चीज़ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जे एन एक्स लिख सकता हूँ, तो ये भी वही चीज़ है, ये भी बस एन को छोड़ के वही चीज़ है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जे एन एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स जे डैश एन एक्स इज इक्वल टू ये माइनस एन ऐसा का ऐसा रहेगा, और इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ जे एन एक्स पिछले वाले जैसे। ठीक है, इसकी अब इसका किस्सा ख़त्म, बस बचा ये वाला, तो क्या बचा, प्लस समेशन आर टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से मैं टू कॉमन ले लूँ, यहाँ से टू कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे देखिए टू कॉमन लूँगा तो एन प्लस आर बचेगा, यहाँ पे टू कॉमन ले लिया, अपॉन में क्या बचा, फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन। ठीक है, एक्स अपॉन टू है ऐसा का ऐसा रहेगा एक्स अपॉन टू, और एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस टू आर माइनस वन। हाँ, तो देखिए अब आप यहाँ पे कि मैं यहाँ पे कुछ मिटा देता हूँ आपको, ये आप नोट करते चलें साथ में। तो देखिए ये आ गया, अब देखिए यहाँ से मेरा x ऐसा कैसा रहेगा, जे डैस एन एक्स ऐसा कैसा रहेगा इज इक्वल टू एन जे एन एक्स माइनस एन जे एन एक्स ऐसा कैसा रहेगा, एन जे एन एक्स ऐसा कैसा। अब देखिए आप प्लस है तो ये प्लस लगा दिया, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट समझा देता हूँ, जो गामा होता है इसमें एन प्लस आर प्लस वन है, तो आप इसमें से कोई चीज़ बाहर लेते हैं, ये चीज़ आप इसमें से सिर्फ ये चीज़ बाहर लो आती है, आप एन प्लस आर इसमें से बाहर लेंगे, एन प्लस आर आप इसमें से बाहर लोगे तो अंदर क्या बचेगा, एन प्लस आर प्लस वन तो है, माइनस वन हो जाएगा क्योंकि एक अपन ने बाहर ले लिया, तो ये वन से ये वन कट जाता है, तो कुल मिला अंदर क्या बचता है, एन प्लस आर बचता है। ठीक है, तो इस चीज़ की जगह मैं क्या लिखूँगा, ये वाली चीज़, तो आप ये ध्यान रखें, अभी बता दी, तो आर टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर टू एन प्लस आर, ये वाली स्टेप उतार रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा अभी। ठीक है, और फैक्टोरियल आर देखिए, अब मैं इस चीज़ को मैंने आपको बताया, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एन प्लस आर, और इसमें से जब एक माइनस वन होगा तो क्या बचेगा, माइनस वन और प्लस वन कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, एन प्लस आर, और ये एक्स अपॉन टू है ही, और ये एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस टू आर है, एन प्लस टू आर माइनस वन। इतना आया, अब देखिए यहाँ पे आप इस चीज़ को मिटा देता हूँ मैं, नहीं कन्फ्यूज हूँ, अब देखिए आप साथ में उतारते चलिए, बिल्कुल नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि बोर्ड पे आगे पीछे हो जाता है। अब देखिए आप x जे डैस एन एक्स इज इक्वल टू माइनस एन जे एन एक्स ऐसा कैसा, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए n प्लस आर से ये n प्लस आर कैंसिल हो गया, इस टू से ये टू कैंसिल हो गया, x हमने बाहर ले लिया, तो x हमारा ये बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, r टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर r, यहाँ पे क्या बचा, वन बचा, कट गए, यहाँ पे क्या बचा, वन, और नीचे बचा फैक्टोरियल r, और यहाँ पे गामा n प्लस आर बचा, और x अपॉन टू की पावर n प्लस टू आर माइनस वन बचा।
बचा कि नहीं बचा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अब बहुत काम की चीज़ है। तो एक्स जे डैस एन एक्स ऐसा का आंसर रहेगा हमारा, एक्स जे डैस एन एक्स इज इक्वल टू माइनस एन जे एन एक्स ऐसा का आंसर आएगा, ये वाली स्टेप। अब देखिए प्लस, ये एक्स है तो एक्स ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे आप देखें क्या मैं एक ऑपरेशन मतलब एक चीज़ करने जाने वाला हूँ, एक हमें क्योंकि हमें इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाई करवानी है, इसलिए ये ऐसा का ऐसा। अब देखिए आप यहाँ पे एन है तो एन माइनस वन प्लस आर है प्लस वन, इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि जब हम वन से वन काट देंगे तो बचेगा एन प्लस आर, तो एन प्लस आर में से वन घटा दिया और वन जोड़ दिया, बात एक ही है ठीक है, क्योंकि हम काट देंगे तो वही का वही आ जाएगा। और ये हमारा क्या एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस टू आर माइनस वन चल रहा है। इतनी स्टेप आई, कुछ नहीं किया, बस एक वन घटा दिया और वन ऐड कर दिया और वन सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए अब हम आगे करते हैं, तो देखिए अब एक्स जे डैस एन एक्स इज इक्वल टू माइनस एन जे एन एक्स, यहाँ पे देखिए प्लस एक्स बचा, यहाँ पे देखिए ये जो काम है एन माइनस वन, और यहाँ पे देखिए एन प्लस टू आर माइनस वन है, तो मैं इसका लिख सकता हूँ एन माइनस वन प्लस टू आर, आगे पीछे करके लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एन माइनस वन प्लस टू आर, बस आगे पीछे करके। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जे, यहाँ पे देखिए एन था वो उस वाले में एन एन था एन प्लस वन था, यहाँ पे एन माइनस वन है इसलिए हम एन माइनस वन ले लेंगे। तो जो एन माइनस वन काम कौन एन का काम कर रहा है, इसलिए जे एन मतलब एन माइनस वन, और किसके लिए एक्स के लिए, तो ए एक्स आ गया, क्लियर है। और ये देखिए एन प्लस टू आर, तो एन एन माइनस वन एन का काम कर रहा है तो एन प्लस टू आर हो रहा है, और यहाँ पे एन प्लस आर प्लस वन हो रहा है, यही हमारा जे एन एक्स का फॉर्मूला हमारा यही कहता है, समेशन आर टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर वन अपॉन फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस टू आर। उसी तरीके से जे एन के लिए तो यहाँ पे भी एन, यहाँ पे भी एन, अब जे एन माइनस वन के लिए तो यहाँ पे भी एन माइनस वन होना चाहिए और यहाँ पे भी एन माइनस वन होना चाहिए, तो है, तो यही जो हमारा है ये हमारा सेकेंड रेगुलेंस रिलेशन है। तो सेकेंड रेगुलेंस रिलेशन कहता है एक्स जे डैस एन एक्स इज इक्वल टू माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन माइनस वन। तो दोस्तों हुआ ना आसानी से बिल्कुल प्रूफ्स, आया ना आपको समझ में? तो देखिए मैं आपको यहाँ से इन दोनों को याद रखने की ट्रिक भी बता देता हूँ, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इनको हम याद कैसे रखें। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी पूछ देते हैं इसके इक्वल कि कौन सा सही है, कौन सा रेगुलेंस रिलेशन है, या हम इन दोनों का यूज हम एक और आगे वाले एक और रेगुलेंस रिलेशन होता है, इन दोनों का यूज करके हम कोई सा भी रेगुलेंस रिलेशन बना सकते हैं, जो कि मैं आपको एक इसी वीडियो में बताऊंगा और बाकी अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं इनको आप याद कैसे रख सकते हैं। तो देखिए एक्स जे एन एक्स जे डैस एन एक्स है, तो अगर आपको प्लस के लिए चाहिए तो एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस वन एक्स, ये वाली याद रख लीजिए। अब आपके लिए माइनस के लिए चाहिए तो जहाँ भी प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दिया। तो आपको एक याद कर लीजिए, उसी में जहाँ पे प्लस है माइनस कर दीजिए, दूसरा याद हो जाएगा आपके लिए। देखिए यहाँ पे हम इन दो जो रेगुलेंस रिलेशन हमें प्राप्त हुए हैं इनसे हम तीसरा रेगुलेंस रिलेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा रेगुलेंस रिलेशन हमारा कहता है टू जे डैस एन एक्स इज इक्वल टू, जो हमारा तीसरा वाला होता है वो होता है जे एन प्लस वन एक्स जे एन माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स ब्रेकेट में एक्स माइनस जे एन प्लस वन एक्स, ये हमारा तीसरा रेगुलेंस रिलेशन होता है। इन दोनों की हेल्प से कर सकते हैं, कैसे, जब हम समीकरण एक प्लस समीकरण दो को जोड़ देंगे, ठीक है, इसको ये समीकरण एक नाम दे दिया, इसको दो, इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड रेगुलेंस रिलेशन को आप जब जोड़ोगे तो ये जोड़ोगे तो एक्स जे डैस एन एक्स एक्स जे डैस एन एक्स हो जाएगा टू एक्स जे डैस एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो एन एन देखिए एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस वन एक्स, क्लियर, और माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन माइनस वन एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि जो हमने ये दोनों को जोड़ा, देखिए जब प्लस करेंगे इसका तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा और बाकी प्लस प्लस आएगा, तो यहाँ पे देखिए एक्स माइनस का एक्स जे एन प्लस वन से प्लस का एक्स जे एन, सॉरी ये नहीं कटेगा हमारा, ये नहीं कटेगा, आप
जिसको मत काट दीजिए। तो एन जे एन एक्स का माइनस का एन जे एन एक्स कट जाएगा। ये क्यों नहीं कटाएगा, क्योंकि यहाँ पे एन प्लस वन एक्स है और यहाँ पे एन माइनस वन एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, अब हमारा माइनस का जे एन प्लस वन एक्स बचा यहाँ पे, और प्लस का एक्स जे एन माइनस वन एक्स बचा। अब जब आप यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स आप यहाँ से कॉमन लेंगे, तो प्लस वाले को मैं पहले लिख दूँ जे एन एक्स, और माइनस वाले को बाद में लिख दूँ जे एन माइनस वन एक्स, और माइनस वाले को बाद में लिख दूँ जे एन प्लस वन। ऐसा लिख सकता हूँ, बस प्लस वाले को पहले लिख दिया और माइनस वाले को बाद में ले लिया, और इस एक्स को हमने बाहर ले लिया, और ये हमारा क्या चल रहा है, टू जे डैस एन एक्स चल रहा है, ठीक है। ये जो एक्स है, ये एक्स इसके डिवाइड में पहुँच जाएगा, गुणा में है तो ये इसके डिवाइड में पहुँच जाएगा, तो ये एक्स है, ये एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा, टू जे डैस एन एक्स इज इक्वल टू बचा जे एन माइनस वन एक्स माइनस जे एन प्लस वन एक्स। तो हमारा थर्ड वाला जो रेकरेंस रिलेशन है वो हमारा यही कहता है कि टू जे डैस एन एक्स इज इक्वल टू जे एन माइनस वन एक्स माइनस जे एन प्लस वन एक्स। तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखिए, लेकिन हम इसको, इसकी एक और अलग मेथड है, ये इसकी क्या है, वैकल्पिक विधि है, कि आप अगर मतलब भूल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप इसकी जो मेथड भूल गए तो आप रेकरेंस रिलेशन फर्स्ट को, रेकरेंस रिलेशन को सेकंड को सॉल्व करने के बाद उन दोनों को ऐड करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक और मेथड है, जैसे कि हमने इन दोनों को किया वैसे ही इसकी एक और मेथड है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों हमारा एक और चैनल है कॉम्पिटिशन मैथमेटिक्स का, जिसपे हम SSC, CGL, बैंक, PO, रेलवे की हम तैयारी, उनके वीडियो हम अपलोड करते हैं मैथमेटिक्स के, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।